हेलो बच्चों हाउ आर यू ऑल मस्त मजा मा ओके तो मैं आपको पढ़ा रहा था जो कंसेप्ट लास्ट वो कंसेप्ट था ऑन वेपर डेंसिटी है ना बेटा तो वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट खत्म होते ही चैप्टर इज ओवर और आपको जो करना है वो ये था कि बहुत सारे डाउट मुझसे पूछने थे और आपने सचमुच बहुत सारे डाउट पूछे मैंने देखा ग्रुप पर बहुत सारे डाउट्स थे इसका मतलब आपने पूरी ईमानदारी से मॉड्यूल को सॉल्व कर लिया है पढ़ भी बहुत अच्छे से लिया है और आपके डाउट भी इसीलिए अच्छे खासे आए हैं है ना बेटा तो पूरा एक डाउट था ग्रुप पे जो मुझे मिला इसके अलावा कोई डाउट नहीं मिला तो खैर नहीं नहीं मैंने आपसे ही बोला था कि आप डाउट डाल देना तो मैं सारे के सारे के डाउट जो है आपके सॉल्व कर दूंगा आज क्लास में ही सॉल्व कर दूंगा क्योंकि आज मैं क्लास में बहुत सारे सवाल कराने वाला हूँ तो मैं सोच रहा था कि आप आपको डाउट डाल दोगे तो मैं क्या करूंगा क्लास में सारे के सारे सवाल सॉल्व कर दूंगा खैर कोई बात नहीं आपने भले न डाले हो लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं मैं वो आज सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा बच जाएंगे तो रात को सॉल्व कर दूंगा ठीक है ना तो आज तो मैं ये पाप मिटाई दूंगा पूरा का पूरा चैप्टर का और जितने क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व कर दूंगा अच्छा डाउट रात रात की क्लास के लिए निकाले हैं क्या नहीं अब मत डालो तुम लोग मैं रात को तुम्हारे डाउट अलग से क्लियर कर दूंगा मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए क्योंकि मुझे पता है बच्चों कितने क्वेश्चन में डाउट्स आते हैं तो मैं अब आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा तो हो सकता है आपके आधे से ज्यादा डाउट जो है अपने आप ही क्लियर होता है हैं? तो अपन तो कल पढ़ रहे थे क्या अपन कल एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था जिसका नाम क्या था वेपर डेंसिटी है ना क्या था नाम वेपर डेंसिटी क्या टॉपिक वेपर डेंसिटी अच्छा ठीक 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 तो बच्चों कंसेप्ट ये है कि यदि मैंने पीसीएल इसको तोड़ा तो पी थ्री प्लस टू में टूटेगा जब ये न टूटा था जब ये न टूटा था एट टाइम टी बराबर जीरो तो वेपर डेंसिटी ऑफ पीसीएल फाइव वाज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ पीसीएल फाइव विल बी इक्वल टू व्हाट मॉलिक्युलर वेट डिवाइडेड बाय तू इसमें तो कोई दो रहेंगे बिकॉज़ वेपर डेंसिटी एवरीबडी नोज कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डोंट वाइ वेपर डेंसिटी डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है तो जिस समय जिस समय जब अच्छा इंग्लिश में लिख देते हैं व्हेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो और परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू जीरो परसेंट तब वेपर डेंसिटी बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट बाई टू एंड दिस इज थ्योरिटिकल वेपर And this is theoretical vapor density. But at time T, barabar, T equilibrium, vapor density will be observed vapor density. Since PCL5 dissociates, dissociates. एवरेज मॉलिकुलर रेट ऑफ मिक्सचर विल डिक्रीज विल डिक्रीज अब यदि मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पहले से पीसीएल फाइव था तो वेपर डेंसिटी वॉज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाई टू अब क्या है पीसीएल फाइव अकेला नहीं क्यूटे पीसीएल थ्री प्लस टू भी बन गया है तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो आएगी सिंस पीसीएल फाइव डिसोसिएट एवरेज मॉलिकुलर रेट ऑफ मिक्सचर डिक्रीज एंड हेंस वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व इज लेसर इज लेसर क्योंकि एवरेज मॉलिकुलर वेट गिरेगा क्योंकि डिसोसिएशन हुआ है। डिसोशिएशन मतलब कोई बड़ी चीज करके ठीक है क्या बोलते रहते हो जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो ना आजकल तुम लोग बहुत डिस्टर्ब करने लगे हो सर वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है कल कितनी बार तो बता दिया तेरे को मॉलिकुलर वेट बाय टू इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी कल फॉर्मुला बताया था वेपर डेंसिटी इज टू डेंसिटी ऑफ अ गैस एन टीपी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ गैस डेंसिटी ऑफ एस टू एट एस टीपी एनटीपी रिलेटिव टर्म है ठीक है सांप मत बनाओ वहां पर ठीक है ओके okay, चलो अब सिंस पीसीएल फाइव डिसोसिएट्स एवरेज मॉलिकुलर रेट ऑफ द मिक्सर विल डिक्रीज एनहेंस वेपर डेंसिटी ऑब्जर्वड इज लेसर इसलिए जो वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व हो रही है वो क्या हो जाएगी लेसर हो जाएगी

ऐसा शुभम ने मेरे को बताया था है ना इसी प्रकार से करंट पार्टीदार के नाम से अभी दो तीन दिन पहले भी कुछ बच्चों ने बहुत शैतानी करी कल भी कोई श्रेया नाम की बच्ची के नाम से शैतानी कर रहा था अभी आ, कोई शैतानी कर रहा है नहीं नहीं कर रहा है। मैं मैंने देखा ही नहीं इसलिए है ना बेटा आप मेरी बात को ध्यान सुनो मैं अब इसका सोल्यूशन हर चीज का बेटा अपने पास में समझ गया आप मेरी बात को व्हाट्सएप ग्रुप में सामने ओपन कर लिया आपको जो भी डाउट आया आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे समझ गया बात को व्हाट्सएप पे तो गलत नंबर नहीं आ सकता इस पे पता नहीं लगता लेकिन whatsapp पे तो पता लग जाता है मैं लैपटॉप पे whatsapp खोल दूं आप टेंशन मत सामने आ जाएगा जो भी होगा आई होप यू ऑन द ठीक है ठीक है ठीक है जस्ट पुट योर डाउट ऑन दैट नो पीराब्लम इट विल कम राइट इन फ्रंट उसमें कोई बच्चा यदि गलत होगा तो उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा उसको पापा से बात कर लेंगे ठीक है आज क्या करना आज कुछ नहीं करना है आज जो है आप अपना डाउट पूछो यदि मुझे लगा आप रेलिवेंट बातें कर रहे हो तो मैं उत्तर दे दूंगा लेकिन यदि आपने रेलिवेंट बातें नहीं की तो मैं आपको उत्तर नहीं देती वैसे भी बेटा मेरा ये मानना है देखो इससे अपना समय खराब होता है लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि यदि अपन को मान लो हंसी मजाक करना है या कुछ मतलब किसी तरह से अपन को अम्म कुछ फालतू बातें करनी है इससे आपका समय भी वेस्ट होता है आप इस समय को कुछ अच्छी एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर सकते हो यदि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ और चीजों में अपन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं बढ़िया चीजों में लेकिन देखो यदि अपना समय इस चीज में जाएगा कि इस समय मैं सर को क्या मजाक बोल दूं वैसे बच्चे बदतमीजी नहीं करते कोई भी मैं आपको बताऊँ तो। सब बच्चे जितने भी अभी तक आए हैं मैं बहुत तो उनसे खुश हूँ डिस्टर्ब करने वालों से को उन्होंने अभी तक किसी ने बदतमीजी नहीं करी है सबके सब ही ही करने लग जाते हैं नहीं तो कुछ और करने लग जाते हैं सर आप मतलब बीच में किसी ने कुछ बोल दिया था छोटी मोटी बातें ही बोलते हैं वो अच्छी बात है ना तो वी विल फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो नो दैट ठीक है ना डोंट so वरी लेकिन समय वेस्ट होता, आप समय होता। आप man, समय हो तो है आपका भी समय हालांकि हम लोग बढ़िया बेटा सर के क्या मजे लोगे सर तो पढ़ाएगा तो भी पैसा मिलेगा नहीं पढ़ाएगा तो भी पैसा मिलेगा समझ रहे हो आप मेरी बात को सर तो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है वह यार मजा आ रहा है बहुत बढ़िया है ना तो थिंग इज दैट मजे तो लेने का सवाल ही नहीं उठता मजे तो अपन उसके लेते हैं जिसके सामने होते हैं पीठ पीछे तो नो वरी no ठीक है तो चलो लेट अस डिस्कस दिस ओके बस होता क्या है पता है मैं आपको तो डाउट देखना बंद कर देता हूँ डर के मारे क्यों डर लगता है क्योंकि यदि किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो तो पता है डिस्टर्ब हो जाता है पढ़ाने में इसलिए तो इसलिए मैं क्या करता हूँ उस तरफ देखना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ फिर अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप डालूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना बेहतरीन मजा आएगा बोलो हो सही है कि नहीं

तो क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गई कि वेपर डेंसिटी थियोरिटिकल क्या चीज है, और वेपर क्या है? कम आपके पास में और वो टूट गया था एन टू एन टू प्लस थ्री एच टू है ना मुझे नहीं याद की अला बताया था कि नहीं बताया था अभी बता देते हैं इनिशियल मोल आपने उसका दो ले लिया मान लो आपको मैंने बोला था ना कि

सबको चमका चमक ही गया होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर जाएंगे टू प्लस टू अल्फा तो हमको तो पता है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला और वो फॉर्मूला क्या है V1 N1 बराबर V2 N2 तो V1 कितना था हमारे पास हमको V2 निकालना है है ना तो बस बात खत्म हो गई ये V1 है N1 था 2 बराबर क्या आया V2 इन कितना है बेटा N2 है 2 प्लस अल्फा 2 प्लस टू अल्फा बस हो गया सवाल सोल्व यदि आपसे किसी ने अल्फा पूछा है तो आप टू को कॉमन बाहर निकाल के टू से टू मार दो सो so, v1 वन विल बिकम इक्वल टू वी टू वन अल्फा Therefore, v1 by v2 बाई वी टू माइनस वन इज अल्फा क्या फॉर्मूला समझ में आ गया सब लोग को बेटा आना बोलना पड़ेगा बच्चों क्या सबको फॉर्मूला समझ में आ गया ठीक है ना तो दिस हाउ यू कैलकुलेट दी फॉर ठीक है

यहां पे लिख दू क्या इफ एसोसिएशन अकर वेपर डेंसिटी विल इंक्रीज इफ एसोसिएशन अकर्स वेपर डेंसिटी विल इंक्रीज चलो भाई जल्दी से कर ओके okay, बेटा एक एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं यदि आप लोग कहे तो एन टू के टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये तो अल्फा है ना बेटा सही तो है बच्चे टू माइनस टू अल्फा ये अल्फा और ये, ये थ्री अल्फा अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा सबके हैं एन टू के नहीं टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब सबके नंबर ऑफ मोल्स

बोलो हाउ क्लियर है अब बच्चे को ये लगता है कि डिसोसिएशन के बाद वेपर डेंसिटी गिरी क्यों क्योंकि तो का वेट तो डिसोसिएशन के बाद भी उतना ही रहेगा वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा अरे हाना बोलना पड़ेगा हाना बोलना पड़ेगा क्लियर ना बात भाई पीसीएल फाइव तो यदि टूटेगा भी तो भी पीसीएल फाइव का मोलिकुलर वेट तो उतना ही रहेगा तो उसकी वेपर डेंसिटी गिरेगी क्यों तो इसलिए मैंने आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे तो मैं बोला दिस इज वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ इज प्रेजेंट क्लियर है बेटा बात आना बोलना पड़ेगा आना बोलना पड़ेगा तो जब वो वेपर डेंसिटी थ्योरिटिकल बोलता है मतलब वो रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी है और जब वो वेपर डेंसिटी लेटर ऑन स्टेज में बोलता है तो वो मिक्सचर की वेपर डेंसिटी होती so, है आई होप सो आई हैव क्लियरली है ना चल नोट कर लो बेटा तुमसे दुख तुम मेरे

चल भाई समझना ना इस बात को ध्यान से मान लो बेटा कभी एसोसिएशन हो जाता है ना जैसे मान लो मैं थ्री ए है और ये एसोसिएट होके ए थ्री हो गया एसोसिएशन हुआ बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा बच्चों एसोसिएट हुआ तो अब अपन वेपर डेंसिटी नहीं निकालते ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी इसमें कैसे आएगी देखो इसमें ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो कैसे आएगा इनिशियल मोल कितने ले लू बेटा जो आप बोलेंगे ले लेंगे इनिशियल मोल कितने ले लू बेटा थ्री शाबाश इसके टकलू थ्री माइनस थ्री अल्फा खाना बोलना पड़ेगा बेटा थ्री माइनस थ्री अल्फा थ्री माइनस थ्री अल्फा थ्री करेक्ट इसके कितने हो जाएंगे बच्चे थ्री अल्फा बाई थ्री अल्फा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बेटा दिस इज इक्वल टू थ्री माइनस टू है बेटा? तो वी थियोरिटिकल एन टू एन वन बराबर वी ऑब्जर्व इन टू एन टू वी वन थियोर होती है वी ऑब्जर्व निकालनी होती है तो वी थियोरिटिकल इंटू थ्री इज इक्वल्स टू वी नॉट एन टू कितना आ जाएगा एन टू कितना आ जाएगा? थ्री माइनस टू अल्फा, करेक्ट है बेटा? मैं लिख सकता हूँ थ्री बी टी बाई वी नॉट माइनस अच्छा थ्री बी टी बाई वी नॉट इज इक्वल टू थ्री माइनस टू अल्फा टू अल्फा को बदल लिया सो टू अल्फा इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री बी टी बाई बी नॉट तो अल्फा विल बी इक्वल टू हाउ मच का कैलकुलेशन है सब लोग कर सकते हैं ये वी नॉट हो जाएगा ये थ्री वी नॉट माइनस थ्री बी टी हो जाएगा आई सपोज डेट सबको बात समझ में आ रही होगी थ्री वी नॉट माइनस थ्री बी टी अपॉन वी नॉट हो जाएगा टू अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा विल बी इक्वल टू थ्री वी नॉट माइनस थ्री टी अपॉन टू नॉट करेक्ट है बेटा खाना बोलना पड़ेगा बच्चों खाना बोलना पड़ेगा बच्चों ठीक है आपके मॉड्यूल में उसको डी लिखा हुआ वी को डी लिखा हुआ वेपर के लिए शब्द डी यूज किया है मैं वी यूज करता हूँ उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है बेटा अब सुनो ये बहुत सारे फॉर्मूले आपने निकाल लिए अब तक अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ फॉर्मूले की जिससे कि आपका आंसर वेपर डेंसिटी का आ जाना चाहिए तो वो जो ट्रिकी फॉर्मूला है वो ये है क्योंकि मुझे चीजें रटना पसंद नहीं है तो इसलिए मैं उसको ज्यादा पसंद नहीं करता हूं लेकिन अल्फा इज अल्फाइज टू होता है एन वन अपॉन डेल्टा एन डी थल माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन डी ऑब्जर्व आई सपोज उल्टा नहीं लिखा है हाँ डी थियोर माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन डी ऑब्जर्व सही है। ठीक है बेटा दिस इज इक्वल्स टू द फॉर्मूला के लिए जहां एन वन क्या है एन वन है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन क्या है डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन क्या है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट

थ्री वी नॉट माइनस थ्री अपॉन टू टू वी नॉट एकदम करेक्ट आया ठीक है बेटा अरे जल्दी यार सही है बटा? कोई गलती तो नहीं है मेरे से तुम लोग इतनी आंखें देख रही हैं यदि मुझसे कोई गलती होगी तो आप पकड़ लोगे मेरे हिसाब से सब सही ठीक है अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से यहाँ डी का मतलब क्या ये बोल रहे हो ना आप यहाँ डी का मतलब कुछ नहीं है वी है यहाँ डी का मतलब वी है लो भाई वी लिख देते इसको, इसको लिख देता हूँ वी नॉट और इसको लिख देता हूँ वी नॉट एग्रीड मैंने वेपर डेंसिटी को v से लिया है मॉड्यूल में d से लिया है ठीक अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से यह वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है इन डिसोसिएशन क्योंकि यदि आप ध्यान से देखोगे ऊपर तो ये करस्पोंड नहीं कर रहा है यदि आप n1 की वैल्यू लोगे ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है डिसोसिएशन में एसोसिएशन में फार्मूला क्या होगा अल्फा इज इक्वल्स टू n1 बाय डेल्टा n एन वन बाई डेल्टा एन वी नॉट माइनस वी टी बाई वी नॉट अब फॉर्मूला इन एसोसिएशन इन एसोसिएशन क्योंकि मॉड्यूल में एक भी सवाल एसोसिएशन को लेके नहीं है तो उनका काम बेटा चल गया हुआ इससे इस वाले फॉर्मुले से ठीक है ना लेकिन मैंने आपको एसोसिएशन का एग्जाम्पल बताया अब आप देखो उसकी सक्सेस फॉर्मूले की इस फॉर्मुले की सक्सेस देखो आप एन वन क्या है बेटा थ्री बोलो तो यहां पर आप क्या लिखते हैं थ्री फिर क्या माइनस वी टी अपॉन डेल्टा एन तो डेल्टा एन कितना होता वन माइनस थ्री वन माइनस थ्री तो ये क्या आ जाता डेल्टा एन और एसोसिएशन के केस में डेल्टा एन का माइना भी बदल जाएगा तो ये अच्छा डेल्टा एन का मायना बदल जाएगा वी नॉट डेल्टा माइनस कर यह यह पे दूं यदि यहां एक बात सोचो या तो डेल्टा एन के मायने बदलूं या मायने ना बदलूं फार्मूला सेम रहने दूं और यदि फार्मूला में इसको लिख देता vt और इसको लिख देता v नॉट सेम ही फार्मूला रखता ठीक है ना तो अब मेरे पास डेल्टा एन की वैल्यू क्या आती -2 आती बोलो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आती -2 आती और यहां पर क्या हो जाता v नॉट अब इसको यदि मैं चेक करता तो माइनस साइन ऊपर जाके अंदर जाता तो ये आ गया जाता वो पीछे चला जाता सो दैट वुड बिकम वु पहले फॉर्मूला क्या था वीटी माइनस वी नॉट था ना तो so लेट मी मेक इट ओनली इनिशियल फॉर्मूला जो इनिशियल फॉर्मूला था वही फॉर्मूला रखा अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये आ गया जाएगा पीछे चला जाएगा ठीक है एक ही फॉर्मूला रखो को कोई दिक्कत नहीं एसोसिएशन के लिए भी यही फॉर्मूला रखूंगा कोई दिक्कत नहीं है आंसर सही आएगा क्लियर बेटा याद कम करना पड़ेगा अच्छा ही है देखो एक ही फॉर्मूला है एक ही फॉर्मूला है v नॉट मतलब v ऑब्जर्व यार कितनी बार पूछते हो एक ही बात मतलब v थियोरिटिकल और VO मतलब वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटली जो देखी गई टूटने के बाद या जुड़ने के बाद जो मिली फॉर्मूला एक ही लिखो ये वाला समझ गया मेरी बात को चलो जल्दी से याद कर लो फॉर्मूला तो तो अच्छा है? अच्छा है याद कर लो जिसको डिराइव करना अच्छा लगता है वो डिराइव कर लो ठीक है बेटा ये तो डिपेंड करता है कि आपकी समझ सब्जेक्ट को लेकर कितनी कि अच्छी है अब सुनो ज्यादातर बच्चों को ये ट्रिक ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उनको एकदम नहीं आता है जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको इस फॉर्मूले से नफरत हो जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे इस चैप्टर की प्रैक्टिस बढ़ेगी आप इस फॉर्मुले को भूल जाओगे अरे पागल है क्या याद करेगा आराम से डेरिवेशन आ जाता है क्यों करें हम क्योंकि तो उस डेरिवेशन के बिना केमिकल के आना नहीं है तो वो जो बार बार प्रैक्टिस होगी तो वो आपके ब्लड में बहेगी डेरिवेशन फिर आप अपने आप कर लोगे ठीक है अभी फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मुले को याद ठीक है बेटा एन वन बराबर मोल्स ऑफ रिएक्टन साइड ठीक आप देखो जैसे पीसीएल तो क्या फॉर्मूला बनेगा PCl5 पीसीएलिएट टू गेट बच्चों यदि तुम फॉर्मूला बनाएगी तो फार्मूला क्या बनेगी अल्फा का आपकी नजर में अल्फा का फॉर्मूला ओ थी एन वन वन और डेल्टा एन का वैल्यू भी वन क्योंकि टू माइनस वन वन ओ टू Vt minus v naught upon v naught. अब आप देखो आपने यही फॉर्मूला तो निकाला था जब आपने डेरिवेशन से किया था तो माना बोलना पड़ेगा यार जब डेरिवेशन किया था यही तो फॉर्मूला निकाला था अरे आया कि नहीं आया आया कि नहीं आया आ गया सब लोग को ऐसे ही है चिंपल चिंपल लिटिल स्टार जैसे कि आप अमोनिया वाला केस ले लो अमोनिया वाला केस याद है तुम लोग को अमोनिया टूटा था देखो अपनी कॉपी पे होगा तुम्हारी में केस है ना अमोनिया टूटी थी और टूट करके क्या दी थी एन टू प्लस थ्री एस टू दी थी थोड़ी देर पहले ही डिराइव करवाया था वाला वाला नहीं बोर्ड पे पिछले बोर्ड पे था तो उससे निकालते हो तो इसका अल्फा बराबर था. N1, N1 की वैल्यू कितनी है, है दो अपॉन डेल्टा एन तीन प्लस एक चार माइनस दो दो तो अपॉन दो हो गया एन टू क्या करते हैं वी टी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट दो ने मारा दो यही फॉर्मूला आपको अमोनिया केस में आया होगा जल्दी जल्दी हा ना बोल दो जल्दी जल्दी हाँ ना बोल दो एसोसिएशन डिसोसिएशन में एक ही फॉर्मूला लगेगा जो लोग सोते रहते हैं उनको मैं बता दूं एक ही फॉर्मूला आप ये वाला याद कर लो एसोसिएशन डिसोसिएशन में बोलो हाँ बस एसोसिएशन के केस में डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला पलट जाएगा आपको कुछ नहीं करना आंसर सही आएगा एक ही फॉर्मूला याद करो एन अपॉन डेल्टा एन बी टी माइनस बी नॉट अपॉन बी इट ठीक है बट सब्जेक्ट को समझने पे ध्यान दो एज अ टीचर मेरी आत्मा रोची ये बात सोच सोच करके कि बच्चों को ट्रिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि तो मैं जानता हूं कि इन बच्चों के सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आएगी पर आप क्या बोलो सच बोलना मना है ना सच सुनने वाला सुनना चाहता है ना कोई सुनाना चाहता है सिंपल सिंपल लिटिल स्टार मिला दू इसको बढ़ा दू इसको बढ़ा दूँ इसको तुम लोग आज कल स्कूल में पढ़े हो कभी कि नहीं पढ़े तुम लोग स्कूल में कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बड़े हो ना आजकल स्कूल में डांटते कूटते हैं क्या आजकल स्कूल में डांटते कूटते हैं क्या नहीं बेटा होगा, होगा. होगा, होगा. ठीक है सरकारी स्कूल में कूट दिया होगा सरकारी स्कूल में डांट दिया होगा वहां भी कूटा नहीं होगा क्योंकि वो कंप्लेन कर दो तो कचरे हो जाते हैं समझ रहे हो बात को आप कभी सोचना जरा ध्यान से इस पुचकारने की कीमत कौन चुका रहा है मारना बच्चों गलत है 101%, मेरे साथ मुझे बहुत ज्यादा मारते थे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मारते थे छोटा मोटा नहीं मारते थे बहुत जबरदस्त तरीके से मारते थे पर मैं उनका शुक्र गुजार हूँ उनकी वजह से मैं पढ़ा लिखा मैं ये नहीं कहता बच्चों को कूटना चाहिए गलत बात है बच्चों को नहीं मारना चाहिए लेकिन मेरे को मेरे टीचर ने बहुत मारा है और मैं उनका कोटी कोटी धन्यवाद करता हूं अब वो इस दुनिया में नहीं होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है तभी वो काफी बुजुर्ग थे लेकिन वो ना होते तो मैं नहीं पढ़ता मुझे पता है मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था मेरी मम्मी ने एक ट्यूशन मेरी लगाई जहां पर की मार्ड साहब का नाम था पतरे वाजपेयी वाजपेयी थे लेकिन वो पतले थे दो वाजपेयी पढ़ाते थे एक मोटे वाजपेयी थे और एक पतरे वाजपेयी थे पतरे मतलब पतले पतरे मतलब पतले है ना तो उनका नाम था पतरे वाजपेयी और एक थे मोटे वाजपेयी मोटे वाजपेयी बहुत कूल एंड काम थे वो नहीं मारते थे बच्चों को लेकिन पतरे वाजपेयी फुकनी से मारते थे फुकनी मतलब लोहे की फुकनी आती है बुंदेलखंड में लोग जानते हैं उससे चूल्हा फूकते हैं उसे बोलते हैं फुकनी और उनके यहाँ वही बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे जिनके माँ बाप के जो हृदय होते थे वो काफी कड़क होते थे काफी कड़क होते थे क्योंकि वो मारते समय ये नहीं सोचते थे कि कहाँ लगेगी और कैसे लगेगी वो सिर्फ मारते थे और कई बार शौकिया मारते थे आप कोई गलती ना भी करो तो प्रैक्टिस आपकी ना छूट जाए उसके लिए भी कूदते थे वो तो वो भाई सवाल पूछते थे तो उनका पहाड़ा पूछने का तरीका होता था वो जाति को लेके संबोधित करते थे हरदम तो मुझको बोलते थे ठाकुर सैतीस छिक्का साहब एक मिनट मार्ट साहब रुक जाओ मार्ट साहब बता रहे मार्ट साहब एक मिनट एक मिनट माठ साहब बता रहे एक मिनट सैंतीस छिक्का सैतीस छिक्का तब तक तो बेटा पुकनी पड़ जाती है धार दीच खींच के और फिर काय का सैतीस का पहाड़ा फिर तो याद ही नहीं रहता था बेटा वो तो याद ही नहीं रहता था पहाड़ा फिर मार्च साहब कूदते थे बेहतरीन तो दूसरे जब मैं नदी में नहाने जाता था ना और पेड़ से नदी में कूदता था तो भी मैं ये पहाड़ा पढ़ते हुए कूदता था सैती छिकका और नीचे आता था बोलता हुआ क्योंकि पता था कि आज शाम को बहुत ज्यादा पिटाई होने वाली है हुआ ये कि मैंने ये ट्यूशन छोड़ दी आज के बच्चों की तरह जिनसे यदि आप डांट दो तो तुरंत माँ बाप को बोल देते हमें ट्यूशन छोड़नी है मास्टर अच्छा नहीं है माँ बाप भी छोड़वा देते हमने ट्यूशन छोड़ दी मास्टर साहब के यहाँ जाना बंद कर दिया अपने घर पे नहीं बताया क्रिकेट खेलने चले जाते थे तीन दिन बाद मास्टर साहब घर आ गए उन्होंने पूछा कि काय हमारी मम्मी से पूछा काय बिटिया आजकल भानु नहीं आ रहे ट्यूशन तो उन घर से तो निकला था मार्ट साहब तो बोले लेकिन हम आए थे तो नहीं पहुंचे तैयार हो गई तुम नहीं करो हम जिनके मार्ट साहब हैं हम देख ले सब चीजें आओ ललाते उन्हें बेटा घर में मारा पूरे मोहल्ले में मारते हुए ले गए टूशन तक और बोले देखो ठाकुर बस तो तुम पाओगे नहीं तो पढ़ने तो तुम्हें पड़ेगा हम घर से तुम्हें खेच लाएंगे और गजब को मारेंगे एक बात याद रखियो तुम्हारे सारे गोड़ और हाथ हम तुम्हारे तोड़ दें यदि तुम नहीं पढ़ो तो तो हमारी एक बात समझ में आ गई कि कोई एस्केप रूट नहीं है मार्ट साहब ने बोला है पढ़ना है मतलब पढ़ना है। इसके बाद बेटा जब मैं डॉक्टर बन गया मैंने एम कर लिया एक दिन वो मेरे को बाजार में मिले उस गाँव उस तहसील के जिस तहसील में उन्होंने मेरे को पढ़ाया था तो मैं देखा किसी को देखा तो मैंने बोला ये पथरीबाज पा बहुत बूढ़े हो गए थे वो तो देखिए पैरों तो में गिर गया मैंने बोला अरे मार साहब हम भानु तो वो पहचान नहीं पाए तो मैंने मम्मी का नाम मामा का नाम बताया तो बोले अच्छा 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 बोले लल का कर रहे आजकल हमने की मार्ड साहब देख नहीं पाते थे अच्छे से हमने मार्ड साहब में डॉक्टर रह गए हम जीएमसी भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में पढ़ रहे बेटा वो रोने लगे वहीं पे सबके सामने मार्केट में और वो सबको बताने लगे देखो हमारा पढ़ाओ लला कितने आगे बढ़ गो गो डॉक्टर बन लला रियल रियल मास्ट। रियल मास्टर्स मास्टर्स टीचर्स नॉट द टू डू देयर बिजनेस और उसके लिए वो बच्चों को डांटना भी नहीं चाहते जस्ट फॉर द सेक ऑफ दी मनी वो ये बोलना भी नहीं चाहते बच्चों को तुम गलत कर रहे हो और तुम्हें ये गलत नहीं करना चाहिए इसलिए 20 साल नहीं 20 साल नहीं शायद 30 साल हो गए मेरे को मार्ट साहब से पढ़े हुए 30 तो नहीं हुए होंगे लेकिन 25 साल हो गए होंगे लेकिन आज भी मैं उनकी बात आपसे कर रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान में मैंने पत्र के बारे में बताया है क्योंकि ही द द रियल मास्टर थिंग इज दैट मेहनत तो करनी पड़ेगी एक बात समझ लो बिना मेहनत किए रिजल्ट नहीं आएगा जैसी फ्लट बातें सुननी है समाज में सुनाने वालों की कमी नहीं है जितनी सुननी होती सुन लो लेकिन रिजल्ट एट दी डे मेहनत करके ही आए समझला तो मेहनत करो आज आप इतने लकी नहीं हो कि आपके पास पत्रे वाजपेयी हो आपकी किस्मत खराब है आपके पास पत्रे वाजपेयी नहीं है और जो पतरे वाजपेयी होते तो लला ऐसे ही पढ़ा देते बाई हुई क्रुक मैं फिर भी मानता हूं इस बात को बच्चे को मारना सही नहीं है क्योंकि बच्चा डर जाता है कई बार अपने डाउट नहीं पूछ पाता है लेकिन नहीं डांटना भी नहीं उसको उसकी गलती पे टोकना भी नहीं ये क्राइम है दिस इज नॉट फॉर वॉट वी वर मेड टीचर्स इसलिए मैं खूब डांट आई एंजॉय दैट मारता नहीं क्योंकि मारना मुझे कभी भी पसंद नहीं था बेटा तो रेगिंग में भी नहीं था मेडिकल कॉलेज में कभी किसी को नहीं मारा कोटा खो घू खैर बेटा तो मेहनत करो बेटा मेहनत करो आप एक बात समझ गए मैं आपका सिलेक्शन नहीं कराऊंगा आप अपना सिलेक्शन खुद कराओ देट इज अ तो अपन बात चल रही थी किसी पी फाइव की है ना तो डेरीवेशन तो करनी पड़ेगी इतना सारा मैंने आपको लेक्चर क्यों दिया क्योंकि तो अपन को ट्रिक बाजी नहीं करनी है अपन को रियल मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि सिलेक्शन उससे ही होता है ट्रिक तो भूल जाएंगे। हैं आखरी कितनी ट्रिक याद करेंगे मेरे भाई हमको मेहनत करनी पड़ेगी तो खैर पेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होती यहां पर अब हम हमको बहुत सारा सवाल कराती आओ सवालों को करें और ज्ञान की गंगा बहाएं मजा आ रहा है पढ़ने में मजा आ रहा है पढ़ाने में सुनो बेटा क्लियर बेटा बात सब लोग को हाँ, 97 सोचो यार कितनी ट्रिक याद करा तो है ना ना कोई बहस ना दलील फालतू की बात कोई नहीं अब अपन जो है और आपको पता है ये लेक्चर जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा लाखों लोग देखने वाले इस लेक्चर को और हमारे माट साहब को के बारे में सुनेंगे वो कि हमारे माट साहब थे तो, उनका नाम पथरी वाजपेयी था ना ये हमारा है उनको क्योंकि पैसे सिर्फ वो पांच लेते थे हमें पढ़ाने के खैर सवाल सवाल लेता मैं, है ना बेटा तो सवाल की हम आपसे बात कर रहे हैं आप लोग ध्यान देना मान लो मेरे पास अब बहुत सारे सवाल मैं कर रहा हूं। 2A plus B product. Correct है आप सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे 2A plus B product. और ये कह रहा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ यदि बेटा सबके पार्शियल प्रेशर को तीन गुना कर दिया जाए तो सबके पार्शियल प्रेशर को तीन गुना कर दिया जाए इस रिएक्शन में तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाएगा आपके आंसर आ चुके हैं और अब तक सब गलत है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाएगा नहीं बेटा मैं के नहीं पूछ रहा हूं जो सेम सेम चिल्ला रहे हो मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक आंसर सही आया एक बच्चे का एक आंसर सही आया एक बच्चे का लेकिन मैं नाम नहीं देख पाया उसका भाई ट्राई करो यार रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना सिखाया था जब के लिखना सिखाया था तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड यस अनंत का आंसर सही देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तुम भूल गए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वॉज के एफ ए की पावर टू और बी की पावर वन बोलो हाउ क्लियर है आपने तापमान बदला नहीं है के, के एफ ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का बदलेगा ना रेट ऑफ बैकवर्ड बदलेगा लेकिन इसको आपने दुगना किया है इसको तिगना किया है शायद तिगना किया है नहीं कितना गुना किया है प्रोडक्ट इज मेड थ्री टाइम्स तो अनंत का आंसर सही नहीं है फिर इसको तीन गुना किया है तो एक की जगह क्या हो जाएगा थ्री ए हो जाएगा तो थ्री का स्क्वायर और बी की जगह थ्री बी हो जाएगा थ्री की पावर वन नौ सत्ताईस तो जिसने आंसर ट्वेंटी सेवन दिया था उसका आंसर सही क्या बात चमक गई समर्थ सिंह का आंसर सही है भाई ठीक है अगला क्वेश्चन क्या सब लोग को फील आ गई क्वेश्चन पे क्वेश्चन बेटा शुरू करिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मुझे नहीं पता आपके मॉड्यूल में है कि नहीं आप यहां पे ध्यान दो सुनो

A का कंसंट्रेशन आफ्टर समटाइम्स इसको चार गुना इंक्रीज कर दिया गया और B के कंसंट्रेशन को आधा कर दिया गया बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा जब कुछ ना दिया हो तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन देवांश जैन का आंसर सही है भाई देवांश जैन ने एकदम आंसर दे दिया यस <coughs> yes, सोमानी का आंसर सही है भाई और भी बच्चों का आंसर ये सही है समझो भाई शुरू में इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रहा होगा अरे भाई बैकवर्ड का तो नहीं लगा है, मतलब में जा रही तो चार गुना कम किया तो के बाई फोर की पावर वन और बी को क्या किया सॉरी चार गुना किया तो फोर ए और बी को क्या किया आधा किया और आधा का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर नीचे चार आ जाएगा चार ने मारा चार को वही चीज आ गई के एफ ए की पावर वन बी की पावर टू और के एफ ए की पावर वन बी की पावर टू बोलो हाउ तो इट इज सेम इट इज सेम क्या सबको पढ़ा पल्ले जल्दी जल्दी बोलो क्या सबको पढ़ा पल्ले पढ़ गया बहुत बढ़िया शाबाश चलो और सवाल लेते एक सवाल दिया है फाइव ग्राम है बताओ इसका एक्टिव मास क्या होगा फाइव ग्राम काउ दिया है बताओ इसका एक्टिव मास क्या होगा वन ऑब्वियसली क्योंकि काउ इज अनी कंपाउंड सॉलिड उसको कोई पानी में घोल के थोड़ा दिया यदि बोला इट दी वाटर, तो तो अपन अपन एक्टिव मास की बात करते तो वेट से डिवाइड करके और सॉलिड तो 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 है मेरे भाई यदि तो होगा? होगा। आप सबने इसका आंसर सही दिया था रेश ट्वेंटी टू ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ट्वेंटी टू ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया है बेटा और लिया है थ्री ग्राम एच टू लिया है और लिया है सेवन ग्राम एन टू लिया है और रेशो ऑफ एक्टिव तो तो सबका एक ही रहेगा क्योंकि तो मास तो का रेशो है क्योंकि है, तो लेते हैं बोलो हाउ वॉल्यूम तो सबके लिए कॉन्स्टेंट है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बेटा वॉल्यूम तो तीनों के लिए कांस्टेंट है रेशो निकालना है वॉल्यूम वॉल्यूम तो कट जाएगा तो मैं लिखूंगा इसके मोल कितने कार्बन डाइऑक्साइड के आधा मोल हुआ बोलो आओ के मोल कितने तीन ग्राम है तो तीन बटे दो सात बटे चार, चार बोलो बेटा बाईस है बाईस बटे चवालीस बाईस बटे चवालीस ट्वेंटी टू बाई फोर्टी फोर थ्री बाई टू एंड सेवन बाई ट्वेंटी एट वन बाई फोर एल्सियम ले लो चार तो या आया दो या आया छाया एक चाम चे है टू टू सिक्स कुछ गलती तो नहीं बोले बड़ा बात करेक्ट है बात करेक्ट है आ गया सबको समझ में सब और सवाल लेते हैं अगला सवाल क्या है <coughs> बोलता है एक रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन क्या हो रही है रिएक्शन हो रही है ए गिव्स बी ए गिव्स बी और पूछ रहा है बी का कंसंट्रेशन क्या होगा अब देखना अब ये जो एक्सप्रेशन है जिस तरीके से और के, के, के रिस्पेक्ट पे पूछा है सबसे पहले आप के इसके लिए लिख सकते हो तो आप लिख दो सर इस रिएक्शन का के बराबर है बी का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन बोलो हाउ आना बोलना पड़ेगा बेटा के क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और क्या आपको पता है इक्विमियम कॉन्स्टेंट के एफ बाई के बी होता है बेटा क्या इक्लिम कांस्टेंट आपको पता है के एफ बाई के बी होता है सबको पता है और से कंसंट्रेशन का, का पूछा है आपसे आपसे उसने पूछा है इक्विबियम कंसंट्रेशन ऑफ बी बी का इक्विबियम कंसंट्रेशन उसने आपसे पूछा है तो बी का इक्विबियम कंसंट्रेट हुआ ए का कंसंट्रेशन इनटू के एफ अपॉन के बी बोलो बेटा वो लिख सकता है इसको ऐसा ए इनटू के एफ की पावर माइनस इज इक्वल टू बी का कंसंट्रेशन बी ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा जल्दी बोलो आया कि नहीं आया बी ऊपर जाएगा तो माइनस वन लग जाएगा आया कि नहीं आया इस तरीके से आप लिख सकते हो ठीक है बच्चों आ रहा है सबको समझ में आ रहा है सबको समझ में चलो ऐसे ही बोलता हूं सुनना बात को ध्यान से एक्स ने दिया वाई और इसके लिए जो इक्विबियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है टेन की पावर माइनस वन ठीक है।, है वाई ने दिया जेड और इसके, इसके sorry, इसके और, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर इसके बाद में सॉरी माइनस टू इसके बाद में पी ने दिया क्यू और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है थ्री इंटू टेन की पावर माइनस फोर उसके बाद में आर ने दिया एस और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री बताओ किसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और किसमें सबसे कम प्रोडक्ट बनेगा जल्दी बोलो one, two, three, मान के आंसर बताओ किसमें किसमें सबसे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा और टेन की, 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 मतलब बोलो बोलो की पावर माइनस वन ही है ही टेन की पावर माइनस वन इज ग्रेटर थ्री भी बोला था मेरे भाई माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस फोर कैसी बात कर रहे हो और थर्ड वाले में क्या होगा सबसे कम बनेगा क्योंकि उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा कम है हो सकता है वो बच्चा कम वाला बता रहा होगा मेरे को ज्यादा वाला दिख गया होगा खैर क्वेश्चन आ गया बहुत बढ़िया चलो भाई एक बात करते हैं मैं आपसे बोलता हूं कॉपर सल्फेट सी यू एसओ फोर डॉट फाइव एस टू ओ सॉलिड डॉट फाइव एस टू सॉलिड गिव्स मी कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट डॉट थ्री एच टू प्लस टू एच टू दिस इज गैस दिस इज ऑल्सो सॉलिड करेक्ट है और वो बोल रहा है केपी की वैल्यू बता दो क्या होगी तो क्या हमारे होशियार बच्चे इसका केपी लिख सकते हैं जल्दी बोलो बेटा केपी क्या होगा क्या केपी क्या केपी इसका पी एच टू की टकला टू होगा आना बोलना पड़ेगा बेटा क्या है इसका केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू का टकला टू होगा आना बोलना पड़ेगा बेटा बोलो बच्चों और यदि किसी ने इसका केसी पूछा होता तो क्या इसका केसी कंसंट्रेशन ऑफ एच टू ओ का टकला टू होता बेटा कंसंट्रेशन ऑफ एच टू का टकला टू होता क्या बेटा बिल्कुल होता समझला क्योंकि तो ये सॉलिड ये सॉलिड दोनों का एक्टिव मास वन है इसलिए उनकी कोई बकत नहीं है चलो अगली बात करते हैं जटाफट फटाफट इसके बाद में एक क्वेश्चन में दे रहा है कि केसी के केपी अपॉन केसी प्लस आर टी प्लस लॉग आर टी इज इक्वल्स टू जीरो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी रेशियो का आंसर गलत है क्यों भाई क्यों गलत है बाईस uh, बटे uh, दो uh, वो लिया था चवालीस हाफ लिया था और तीन बटे दो लिया था सही था और सात बटे अट्ठाईस लिया था सही लिया था एलसीएम चार लिया दो आया टू आ गया दो आया छे आ गया

राम राम बोल रहा है आएगा राम कैसे आएगा कैसे कैल्शियम कार्बन आई सपोज बस केपी दो 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 अब केपी यदि वो गलत भी है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों अपन को डिवीजन करना है और रेशो निकालना है उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं खुद निकाल देगा केप बाई के सी इज इक्वल टू क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस लॉग आर टी बोलो बच्चो क्या इस माइनस लॉग आर टी को मैं ऐसे क्या इसका नाम माइनस वन है हाना बोलना पड़ेगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ केपी अपॉन के सी इज इक्वल टू लॉग आर टी का पावर माइनस वन क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू होता है वाई लॉग एक्स तो ये जो लिखा हुआ है वाई लॉग एक्स के टर्म में लिखा हुआ है जल्दी बोलो माइनस वन लॉग आर टी वाई लॉग एक्स के टर्म में लिखा हुआ है वाई को ऊपर ले जाए तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा तो माइनस वन को ऊपर ले जाए तो आर टी की पावर माइनस वन होगा याद आया क्लास में कराया है क्लास में ये डेरिवेशन मैंने आपको कराया है आपको ये बनना चाहिए बोलो आ गया आ गया सबको अब मैं इसको मिटाता हूं और सवाल भी आपको कराता हूं तब तक आप ये वाला सवाल एक बार ट्राई कर लो यदि मेरे से कोई गलती हुई तो मेरी समझ में मैंने सही किया ठीक है बेटा आपको नहीं मिलेगा मैं दूसरे मॉड्यूल से आपको करा रहा हूं सवाल उसमें ज्यादा है ज्यादा सवाल है उसमें है ना आपके मॉड्यूल में रिलेटिवली कम सवाल है मैं आपको ज्यादा सवाल करा रहा हूं लीडर अचीवर का जो मॉड्यूल है ना उससे करा रहा हूँ बच्चे आपके मॉड्यूल में भी ये सवाल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते चल दिल दार चलो चांद के पार चलो हमें तैयार चलो हमें तैयार चलो चल दिल दार चलो अभी नहीं नया चैप्टर अभी टाइम है नए चैप्टर में पहले इस चैप्टर को मजबूत करेंगे तभी नए चैप्टर पे जाएंगे सिलेबस यदि चार दिन डिले भी हो जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता समझे आप मेरी बात को चैप्टर मजबूत होने चाहिए वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि आप आईने की दिवाली के टाइम आते थे रक्षाबंधन के टाइम आ गए ठीक है हाँ भाई अब यदि किसी को लग रहा है कि आंसर कुछ और है रागनी को लग रहा है रागनी आप बेटा अपना सलूशन डाल पे उस पे आ, डाउट ग्रुप पे बेटा सोल्यूशन डाल देगा ठीक है रागनी ठीक है बेटा और किसी को भी लग रहा हो तो प्लीज वो डाउट ग्रुप पे डाल देगा ठीक है आई विल सी दैट कि उसमें क्या गलती है वहां देख लो चल अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्वेश्चन है फॉर एंड मिनिमम वैल्यू आप कर लोगे कोई बड़ी बात नहीं है एक सवाल ये वाला है ये देखना आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो एसो टू प्लस हाफ ओ टू गिव यू एसो थ्री नो भाई एसओ टू प्लस हाफ ओ टू गिव यू एसो थ्री और इसके लिए के है के वन ठीक है सब गैसेज है ये फिर वो बोल रहा है फोर एसो थ्री gives me ओ टू प्लस टू ओ इसके लिए K2. वो बोल रहा है K2 और K1 में संबंध निकालो सब लोग निकाल लोगे. K2 और K1 में संबंध निकाल लो सब लोग निकाल लोगे. आसान है बिल्कुल आसान है बिल्कुल तरीका बताया था सबसे पहले रिएक्शन को आपने क्या किया है पलटा है K2 बराबर जो करना है पुराने वाले के साथ करना पुराना वाला ही है रिएक्शन पलटी है तो K1 को नीचे ले जाओ रिएक्शन को चार से मल्टीप्लाई किया तो टकले पे चार से आ गया आगे आगे सर बोलो हाँ क्लियर बेटा इतनी बात सिंपल सिंपल लिटिल ठीक चल आगे बढ़ते हैं वो पूछा है कि कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है कर लोगे ये वाला के की वैल्यू दी है कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है चार नाइट्रोजनों के ऑक्साइड दिए और के की वैल्यू दी है अच्छा नाइट्रोजन का ऑक्साइड टूट रहा है नाइट्रोजन का ऑक्साइड टूट रहा है बताओ के की वैल्यू ज्यादा होने पर स्टेबिलिटी होगी या के की वैल्यू कम होने पर हो स्टेबिलिटी होगी हो हो बहुत क्लियरली मैंने आपको पढ़ा दिया था ठीक है ना चलो अब आगे बढ़ते आगे बढ़े तो ये एक सवाल है सुनना बी आर टू टू बी आर बी आर टू टू बी आर और ये रिएक्शन हुई है कितने पे एक सेकंड आ बा द प 500 केल्विन पर हुई है ये रिएक्शन हुई है 500 केल्विन पर और उसके बाद में मेरे पास है ये रिएक्शन हुई है 500 केल्विन पे और उस समय इसका के है और इस समय के है बराबर 10 की पावर माइनस -10 और फिर बी आर 2 गिव्स टू बी ये हुई ये 700 केल्विन पर इसका K है 10 की पावर माइनस फाइव बताओ रिएक्शन एंडोथर्मिक है क्या एक्सोथर्मिक है अफकोर्स जो रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे आगे की दिशा में बढ़ जाए उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन करेक्ट है बेटा करेक्ट है बेटा आया कि नहीं आया आया कि नहीं आया आ गया ना देखो ओके okay, ठीक एक रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी गिफ्ट सी प्लस डी आप दिया आई है क्या दिया आई है क्लास में दिया हाँ आई है। दिया बेटा आप बन रहे हैं सवाल देख जरा सरल है सब सवाल थोड़ा थ्योरी याद करना है। और फिर बनाना बहुत सरल है अभी भी थोड़ा थोड़ा बन रहा है तो दिया तू इसका मतलब तूने ना अभी ईमानदारी चैप्टर पढ़ा नहीं नहीं तो ये बन जाने चाहिए सवाल सरल सरल सवाल है बिल्कुल प्लीज स्टडी मोड खुशी जी स्टडी मोड यदि आपको इसमें से 80 सवाल बन रहे हैं अभी या थोड़े कम बन रहे हैं, प्लीज सी द रिकॉर्डिंग एंड प्लीज रटो देट. पूरा रटने का मतलब शुद्ध रटना नहीं है रटने का मतलब क्या है जो समझा है वो रट लेना है समझ रहे हो बात को मूल मंत्र दे रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए एप्लीकेबल इन फिजिक्स एप्लीकेबल इन केमिस्ट्री एप्लीकेबल इन एवरी से रिकॉर्डिंग पूरा पूरा तो क्लास में यूज करी थी उससे वही यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब यदि वो आपको याद है तो आप ये सब सवाल बन जाएंगे बेटा तो मतलब अभी अपन को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बची हुई है ठीक है चलो वो बोल रहा है ए प्लस बी गिवी सी प्लस डी ए का कंसंट्रेशन लिया गया है ए और बी का पॉइंट वन और पॉइंट वन लिया गया एक एक्सपेरिमेंट में ठीक है और के निकाल लिया गया ठीक किसी एक एक्सपेरिमेंट में इसका कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन लिया गया इनिशियल और K की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसका कंसंट्रेशन टू इसका तीन लिया गया बताओ के की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा के की वैल्यू बढ़ जाएगी के की वैल्यू घट जाएगी के की वैल्यू सेम रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा के की वैल्यू सिर्फ बदलती है टेम्परेचर के साथ ठीक है देर बी नो अफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ के समझा समझा कि नहीं समझा समझा ठीक है ना आप आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखता हूं इक्लिबियम कांस्टेंट ऑफ अरएक्शन एस टू प्लस आई टू गि टू एच आई सिक्स फोर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर रिड्यूस टू वन फोर्थ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम

पार्शियल प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा सबके बढ़ जाएंगे सबके बढ़ जाएंगे पार्शियल प्रेशर समझे ना मेरी बात हो oh. hmm. चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं. ये वाला सवाल ए प्लस बी गिव सी प्लस डी ए प्लस बी मी सी प्लस डी द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एन एंड इज एन करेक्ट बेटा

की बराबर थी इक्विबियम पे बी और सी का कंसंट्रेशन बराबर हो गया बताओ डी का कंसंट्रेशन क्या होगा ट्राइ 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 समर्थ ने आंसर दिया यस yes, सोमानी ने आंसर दिया बागश्री बेटा कंसंट्रेशन पता लगाओ क्या होगा सेम नहीं क्या होगा वो बताओ यस सोमानी सिंह मैं आई एम अथर्व सोमानी ओके, okay. ओके, okay. चलो भाई आगे देखते ये आएगा थ्री एन माइनस एक्स बोलो थ्री एन माइनस एक्स के थ्री एक्स थ्री एन माइनस एक्स के थ्री एन माइनस थ्री एक्स बोलो नहीं थ्री एक्स नहीं आएगा एक्स आएगा कुछ भी मत बोला करो एक्स आएगा कि थ्री एक्स आएगा चलो फिर से देख लेते, फिर से देख लेते। एक्स के थ्री एक्स एक्स के थ्री एक्स एक्स के थ्री एक्स बकवास इट शुड बी थ्री एक्स मैंने जरा सा कंफ्यूज किया तुरंत सबने आंसर बदल दिया अरे मेरे भाई इफ एक्स इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाँ 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 एक बात सही है आप बोल सकते हो सर एक्स हो चाहे थ्री एक्स हो क्या फर्क पड़ता है लेकिन यदि एक्स इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो एक्स नहीं आएगा थ्री एक्स आएगा क्यों क्योंकि मोल जो टूटते हैं वो कितने होते हैं इनिशियल मोल माइनस इनिशियल मोल इनटू बोलो 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 इनिशियल मोल इन अल्फा इनिशियल मोल अल्फा याद आया बेटा लेकिन अपन मान लेते हैं मैंने बोला थ्री एन एक्स। बताओ एक्स क्या है कुछ तो नहीं आया समझ में एक्स क्या है नहीं एक्स डिग्री ऑफ डिसीजन नहीं है फालतू बात एक्स इज मोस्ट डिसोसिएटेड एक्स इज मोस्ट डिसोसिएटेड

ये एक्स गया तो ये कितना जाएगा ये कितना जाएगा ये एक्स माइन एक्स बाई थ्री जाएगा एक्स जाएगा? क्या कचरा कर रहे हो भगवान कसम कितना भी पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता सुनो 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 किसी के मोल कितने गए कैसे पता लगता है किसी के मोल कितने गए उसकी स्टोशोमेट्री से डिवाइड करो और जिसके चाहिए उसकी स्टोशोमेट्री से मल्टीप्लाई करो समझ में नहीं आ रहा मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार अरे अब अप तो अप्लाई कर लो अब तो सही आंसर दे दो किसी के मोल कितने बने वो इस बात पे करता है। इसके पता है, इसको इसी की से मल्टीप्लाई कर दो इसके कितने गए पता लग जाएगा, बोलो, बोलो, हजार बार बताइए बात तो x बाई वन इंटू वन अब इसकी स्टोशोमेट्रिक थी थोड़ी ना इसकी स्ट्रोशोमेट्रिक वन है तो एक्स बाई थ्री क्यों करेंगे आया के नहीं आया आया के नहीं आया यही तो चैप्टर की खासियत है बच्चे गलती करते इसलिए तो इतनी सुंदर ट्रिक बताई थी कि किसी के कितने मोल गए और किसी के कितने बने ये पता लगाने हैं तो जिसके गए वो पता है उसको उसकी स्ट्रोशियोमेट्री से डिवाइड करके जिसके चाहिए उसकी स्ट्रोशोमेट्री से मल्टीप्लाई करना है बोलो हाउ अच्छा रहा गलती अभी हो गई अच्छा रहा गलती अभी हो गई सीख गए बहुत बढ़िया तो ये हो जाएगा एन माइनस एक्स ये कितना होगा मेरे भाई सी का कंसल्टेशन कितना आएगा सी का कंसल्टेशन एक्स और डी का कंसेंट्रेशन कितना आएगा X? इन दोनों का बराबर है तो मैं बोल सकता हूं n माइनस X इज इक्वल टू एक्स देर फोर टू इज इक्वल टू एन देर फोर इज इक्वल टू एन बाई टू बोलो आया मजा बोलो आया मजा टचरे तो नहीं करती तुम लोग बहुत अच्छा सुंदर सवाल होते और ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझाया बस उनको महसूस करने की बात प्रैक्टिस करने के बाद बार 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 एन माइनस एक्स कैसे आया श्रेया जी जी, पूछ रही श्रेया जब इसका एक्स गया बेटा, तो इसका भी एक्स जाएगा ना? बस ऐसे आया बेटा एन माइनस एक्स हमने क्या माना हमने माना एक्स इज मोस्टोसिएटेड इनिशियल मोल कितने हैं? थ्री है हमने माना एक्स डिसोसिएट हुआ मोल तो इसका एक्स हुआ तो इसका कितना गया वो कैसे पता लगाते हैं इसका कितना गया अपॉन इसकी जिसका उसकी स्टोचियोमेट्री माइनस हाँ, एक्स एक्स बस खत्म खेला बाबू हां एक्स एज्यूम करा और मैंने बोला शुभम एक्स इज मोस्ट डिसोसिएटेड शुभम जागो बेटा ये एन कैसे आया ये तो दिया हुआ था सवाल में ये तो सवाल में दिया हुआ था आई होप आज श्रेया तुम ओरिजिनल अपने नाम से ही हो बेटा या कल वाले ही व्यक्ति को श्रेया का नाम पसंद आ गया तो उसने उसी के नाम से लॉग इन कर रहा क्योंकि ये जो आपका सवाल है ये थोड़ा डाउट क्रिएट करता है कि एन कहाँ से आया भैया तो सवाल में दिया था थ्री एन और एन अब यदि आप पूछोगे ये कहाँ से आया तो उसका मतलब आप जरूर कुछ गड़बड़ नाम से लॉग इन हुआ है ठीक है बेटा ठीक है बेटा आगे बढ़ जाए या चलो बच्चों और सवाल करो टाइम है हमारे पास अरे टाइम ही टाइम है भाई मजा आ गया देखो एक्स टू प्लस वाई टू मी

तो अब वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि इक्विबियम पर कंसंट्रेशन x2 और y2 का क्या होगा यदि xy का कंसंट्रेशन 0.6 है सुनना आप ये बात को ध्यान से क्या इस सवाल की लैंग्वेज से आपको ये बात समझ में आई कि शुरू में ये और ये अलग कंटेनर में रखे थे बाकी दोनों को लाकर के फिर एक ही कंटेनर में रख दिया गया और वो दोनों आपस में रिएक्ट कर गए हां ना बोलना पड़ेगा क्या आपको इस बात पे भरोसा हुआ क्या आपको इस बात पे भरोसा हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताओ भरोसा हुआ कि नहीं हुआ उसने क्या बोला उसने बोला X2 को वन लीटर कंटेनर में एक मोल लिया था Y2 को दो लीटर कंटेनर में दो मोल लिया था X2 को एक लीटर कंटेनर में एक मोल लिया था Y2 को दो लीटर कंटेनर में दो मोल लिया था ठीक है अब उसने ये नहीं बताया देवर मिक्सड टूगेदर लेकिन बिना मिक्स किए मेरे भाई रिएक्शन तो हो नहीं सकती तो ये तो अंडरस्टूड है देवर मिक्स टूगेदर उसने बोला फाइनल कंसंट्रेशन एक्स वाई का 0.6 मोल पर लीटर है इनिशियल तो जीरो रहा होगा इनिशियल अब ये एक्स वाई कैसे बनेगा जब तक एक्स टू और वाई टू मिलेंगे नहीं तो इनिशियल तो टकलू ही रहा होगा लेकिन रिएक्शन करने के बाद जब इक्विलिब्रियम आया इसका 0.6 तो बोला इक्विलिब्रियम पे एक्स टू का कितना होगा तो सबसे पहले ये पता लगाएं कि टाइम टी बराबर जीरो पर टाइम टी बराबर जीरो पर कंसेंट्रेशन एक्स टू का कितना था कोई सुंदर होशियार बच्चा बता सकता है टाइम टी बराबर जीरो पर अनुरुद्ध गोयल ने बोला वन और बाकी लोगों ने भी लाइन से बोल दिया वन और एक ने तो जीरो बोल दिया अंडा मिलेगा तो वो एग्जाम में ऑस्ट्रिच का हाँ यार कचरा मत करो मेरे भाई सबका आंसर गलत है तो सबका आंसर गलत है सबने वन वन आंसर दिया एकदम बकवास आंसर अब देखो अब तू बोल दिया हाँ ये पहला आंसर सही आया एस से नाम था किसी का शायद श्रेया था अब एक कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम बता ना भाई एक्स टू के मोल कितने हैं टाइम टी बराबर जीरो पर ओ, सर, श्रेया ओके श्रेया शराफ ओके बेटा हाँ आप संभवी भी सही आंसर बोल थी सोना भैया कितने मोल है टाइम टी बराबर जीरो पर एक मोल है एक मोल है टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या है मिलाने के बाद तो तीन लीटर हो गया ना मिलाने के बाद तो तीन लीटर हो गया ना तो इनिशियल कंसल्टेशन कितना हुआ वन बाई थ्री इसका इनिशियल कंसल्टेशन क्या होगा बोलो बोले बोलो। टू बाई थ्री और इसका कितना होगा पॉइंट सिक्स बोला मैं घूसा मार देना कसम से इनिशियल इनिशियल इनिशियलू अब इनिशियल का मतलब टाइम टी बराबर जीरो पर रिएक्शन शुरू ही हुई अभी तो एक दूसरे को बस देखा है रिएक्शन चालू करना बाकी है अभी तो पहली बार मिले हैं सिर्फ देखा है टकलू जिस समय इक्वियम आया उस समय इसका कितना था पॉइंट सिक्स कोई होशियार बच्चा मुझे बता सकता है जब तक इसका पॉइंट सिक्स बना इसका कितना गया जब तक उसका पॉइंट सिक्स बना इसका कितना गया होगा एक आंसर से ये केफिया का भी तक बस कितना बना होगा ये कितना गया होगा ये पूछ रहा हूं कितना बचा होगा ये नहीं पूछ रहा हूं ये पूछ रहा हूं कितना गया होगा हर्ष का आंसर सही है हृदय का आंसर सही है ऋषिता का आंसर सही है भाई इसके दो मोल तो इसका एक मोल इसका दो मोल बना तो इसका एक मोल गया बोलो हाउ तो क्या इसका आंसर 0.3 होगा कि नहीं होगा जब तक उसका पॉइंट सिक्स बनेगा इसका पॉइंट थ्री जाएगा कि? खुशी जी ने बोला खुशी जी बहुत खुश है इस बात से ठीक अरे इसके कितने मोल बने इसके कितने गए पता लगाना है तो दिस डिवाइडेड बाई इसकी स्टोशोमेट्री मल्टीप्लाइड बाई इसकी स्ट्रोशोमेट्री एक के बारे में पता होता है दूसरे के बारे में जब पता लगाना होता है तो जिसके बारे में पता होता है उसको उसकी स्ट्रोशोमेट्री से डिवाइड करते हैं और जिसके बारे में पता लगाना होता है उस पूरी क्वांटिटी को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एक हजार एक बार बता चुका तो 0.6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और कॉमन सेंस लगाओ तो 1 मोल इसका 2 मोल इसके तो तो 0.6 मोल इसके मतलब इसके गए 2 बाय 3 माइनस 0.3 और 1 बाय 3 माइनस कितना लिख दो सियार बच्चों 0.3 सही बात क्या बात सबको चमक गई मेरे भाई क्या सबको बात चमक गई था सवाल सिंपल सिंपल लिटिल स्टार कोई कंसेप्ट नहीं बदल रहा वही बात समझा रहा हूं बार बार लगा अच्छा मिटा दो तो <coughs> फिर और सवाल करेंगे ठीक है बेटा सवाल ही सवाल करेंगे भले एक दिन ज्यादा लग जाए एक दिन और सवाल करने पड़े पर मैं तो मेहनत कर रहा हूं तुम भी मेहनत कर लेना तुम भी मेहनत कर लेना तो ही आगे बढ़ पाओगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा सर ये क्वेश्चन नहीं लिखे तो क्या हुआ नहीं लिखे क्वेश्चन मत लिखो तुम तो वो तुमने क्वेश्चन नहीं लिखे तो क्या फर्क पड़ता है तुमने प्रैक्टिस कर ली ना तुम्हारे पास ये है ना रिकॉर्डिंग है ना रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन लिख सकते हो ना ठीक है माही यही वाला क्वेश्चन बेटा तू ग्रुप पे डाल डाउट ग्रुप पे डाल दे यही वाला क्वेश्चन माही मैं जवाब दे दूंगा बेटा ठीक है आगे सबको बात समझ में जैसे मैं पूरा क्वेश्चन बोलता तो हूँ एक बार की बात है लीटर लीटर लिया लिया था वाई लिया था फिर वाई को मिक्स किया कोई जरूरी नहीं लिखना सवाल को आप तो अपना मॉड्यूल सॉल्व करो नाइन्टी परसेंट सवाल आपको आपके मॉड्यूल में दस परसेंट नहीं मिलेंगे बस हो वैसे भी आपने मेरे सवालों का सोल्यूशन देख करके यदि अपना काम चलाया तो आप सब्जेक्ट थोड़ी ना सीख पाओ पहले रटो पहले समझो फिर समझे हुए को रटो उसके बाद में सवालों को सॉल्व करो झम जम, सवाल ना बने तो दिमाग लगाओ मैं बेटा झूठ नहीं बोलता बेटा खुद करता हूं उसके बाद समझ रहे हो मेरी बात झूठ नहीं बोला दिमाग लगाओ नहीं तो आप कभी जीवन में नहीं सीख पाओ सच्ची बोल रहा हूं मैं आपसे। देखो मैं आपको बताता। मैं खुद मेहनत करता फालतू बात नहीं करता ठीक है ना पूरी मेहनत करता हूँ उसके बाद बात करता हूं देखो आप देखो सॉल्व है पूरा सोल्यूशन लिखा हुआ है पूरा किया है सॉल्व बेटा देखो बच्चे पूरा सॉल्व किया है दिख रहा है पूरा सॉल्व किया है दिख रहा है पूरा सॉल्व किया है दिख रहा है दूसरा चैप्टर ले हैं पूरा सॉल्व किया है दिख रहा है एक एक क्वेश्चन पे निशान लगा हुआ है दिख रहा है एक एक क्वेश्चन पे निशान लगा हुआ है दिख रहा है पूरा का पूरा मॉड्यूल सॉल्व किया है क्या लिखा हुआ है समझ गया है मेरी बात को फालतू की बतौलेबाजी नहीं करता हूं खुद मेहनत करता हूं उसके बाद बात करता हूं समझ गया आप मेरी बात को मेहनत करके ही सब्जेक्ट आता है ऐसे सब्जेक्ट नहीं आता है सोल्व द रीड द थ्योरी एंड सॉल्व दी क्वेश्चंस मैं किससे पूछ के ये सॉल्व करता हूँ कौन पढ़ाता होगा मेरे को ये सब बताओ मेरे भाई कौन पढ़ाता होगा मेरे को ये सब कोई नहीं पढ़ाता मैं खुद पढ़ता हूँ मेहनत करता हूँ चीजों को समझता हूँ और उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ समझला ला, समझ ला कि नहीं समझ ला मेहनत करने से बच्चों हम आगे बढ़ेंगे बतोले से आगे नहीं बढ़ेंगे हमें खुद जिम्मेदारी उठानी होगी अपनी और तब जा करके वो दिन आएगा जब हम रिजल्ट नामक चीज को एंजॉय करेंगे बच्चों वरना रिजल्ट कैसे आएगा बेटा वरना रिजल्ट कैसे आएगा बेटा बोलो बच्चों छोटे छोटे बच्चों मेरी बात आ रही है ना तुम लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आई ना समझ करना पड़ेगा यार आपको है ना करना पड़ेगा बेटा ये भी मैं पूरी सॉल्व करता हूँ और बुक्स भी सॉल्व कर रहा हूँ ये नहीं है आनंद आ रहा है मजा आ रहा है जीवन के मजे ले रहा हूँ यार 7 मिनट बचे हुए और क्वेश्चन करा रहा हूँ सॉल्व समझ रहे बात को आनंद आ रहा है जीवन के मजे ले रहा हूँ यार और क्या पॉकेट बैठे रहते इससे अच्छा चलो कुछ सीख ही ये नहीं है मतलब मेहनत करना चाहिए Result, result, result. Comes only by... हाँ भाई, क्लियर बेटा थी बात सब लोग को बात समझ में आ गई मेहनत हमको करनी पड़ेगी आओ और बात करें हाँ बेटा और छोटे छोटे सवाल अच्छे अच्छे सवाल करती क्या सवाल होती मजा आती एन टू प्लस एच तो, ये सब बेटा मैंने लॉकडाउन में सीखा उससे पहले मैं उस चीजों पर जीरो था जी पर अभी एक दिन देखना मैं रिकॉर्डिंग करूंगा थैंक <coughs> यू n2 3h2 गिव्स मी दो मोल अमोनिया और उसने क्या कहा मुझसे उसने मुझसे कहा कि 100 atm प्रेशर था टोटल प्रेशर कितना था यहाँ पे 100 atm का प्रेशर था इनिशियली था nt बराबर तक लोगे द प्रेशर 100 atm का बोलो p टोटल था 100 atm p टोटल था 100 atm कोई बच्चा मुझे यदि ये, ये, ये बता दे कि और हाँ एक बात याद रखना दे वर मिक्स दी राइट ये सवाल में नहीं दिया हुआ है सवाल को देना चाहिए क्यों क्योंकि वो ये बोलता है भाई कि इसका एक मोल रहा होगा और इसके तीन मोल रहे होंगे इनिशियली ये आपका एजम्शन है यार कोई जरूरी है क्या कि ए इसका एक मोल हो उसके तीन मोल हो? हो सकता है मैंने भर भर के नाइट्रोजन लिया लेकिन मैंने एन लिया ही नहीं तुम्हें मेरी कुछ बात नहीं आई समझ में इस सवाल में सुनना आप मेरी बात को ध्यान से इस सवाल में वो बोल रहा है टाइम टी बराबर टकलू पर प्रेशर है 100 एटेन तो इसका जवाब जब क्लासेस में बताया जाता है तो वो ये कहते हैं कि एन टू का प्रेशर कितना रहा होगा इसके मोल वन है और टोटल मोल इनिशियली चार थे इसका एक इसके तीन इंटू सौ इसका मतलब पी एन टू रहा होगा पच्चीस बोलो तो बाई डिफॉल्ट पी एच टू क्या रहा होगा पिछहत्तर क्योंकि तो टोटल कितना था और वो आ भी रहा है थ्री बाई फोर इसका थ्री मोल टोटल मोल फोर है इसका तीन इसका एक इंटू सौ बराबर पिचौतर तो इसका सेवनटी फाइव एटीएम था और इसका पच्चीस लेकिन ये तो तब है ना बेटा जब इसका एक और इसके तीन मोल मौजूद थे हमें क्या पता किसके कितने मोल थे किसी ने हो सकता है नाइट्रोजन भर भर के ठूस दी हो वैसल में लेकिन एस्टू लिया ही नहीं क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं जल्दी बोलो यार जल्दी बोलो यार लेकिन उस केस में हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि वो उसी रेशो में मौजूद थे जो रेशो सवाल में दिया हुआ है हमें थोड़ी ना सपना आएगा कि कौन कितना मौजूद था हम कैसे पता लगाएंगे किसी का टोटल प्रेशर कितना मतलब किसी का पार्शियल प्रेशर कितना था यदि हमें उनके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता यार प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स उसने ये बोला एन टू और एस टू है लेकिन उसने ये थोड़ी ना बताया कि किसके कितने मोल प्रेजेंट है ये तो हमने एज्यूम कर लिया कि इसका राइट रेशो में मोल प्रेजेंट है इसका एक इसका तीन पर जब सवाल में ना दे तो आप समझ जाओ कि राइट रेशो में लिया होगा इसका एक जो बैलेंस इक्वेशन में आता है वैसा लिया होगा समझे आप मेरी बात को अदरवाइज सवाल कैलकुलेट नहीं हो पाएगा बेटा मैं चाहता तो आपको तो ये बात बताता ही नहीं बिना बताए ज्यादा आसानी थी इसको सॉल्व करने में लेकिन सत्य छुपाना गलत बात है सत्य छुपाना गलत थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा थोड़ा स्ट्रगल करने में क्या बुराई तो सोचो वन बाई फोर इंटू हंड्रेड थ्री बाई फोर इंटू हंड्रेड तो भाषा की गलती आपको समझ में आई भाषा की गलती ये है कि सवाल के अंदर कभी नहीं लिखा इस बात को इन दी राइट रेशो उनको लिखना चाहिए था ठीक है बेटा लेकिन अब हमारी मजबूरी है हमने एज्यूम कर लिया कि राइट रेशो में होगा अब सवाल हलुआ है क्यों क्या आया एन टू प्लस थ्री एच टू गिविंग मी टू मोल अमोनियम बच्चू और यहां पर था इसका पचीस होती इसका पिछहत्तर चाहे इसका कितना होती इसका कितना होती इसका जीरो होती आप सुनो वो बोल रहा है बीस परसेंट टूट गया इक्लिबियम पे टी बराबर टी इक्लिमियम पे बीस परसेंट टूट गया मुझे कोई बच्चा बता दो इसका 20 परसेंट टूटेगा तो कितना बचेगा इसका 20 टूटेगा तो कितना बचेगा और इसका कितना बनेगा कोई तो बता दो वाह 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 आंसर भी आने लग गए भैया 25 का 20 25 का 20 परसेंट दुनिया निकाल लेती है बीस बटे सौ बीस ने मारा सौ को पांच बार और पांच ने मारा पच्चीस को पांच बार तो इसका मतलब पच्चीस माइनस पंद्रह बोलो हाउ या पंद्रह का बीस परसेंट पिछह सॉरी पिचहत्तर का बीस परसेंट बन रही होता है लेकिन आपको जब ये पता था तो पांच बटे एक इंटू तीन बोलो हाउ पंद्रह और इसके कितने बने दस बने अब पांच बटे एक इंटू दो दस उसने पूछा है पी टोटल क्या होगा पे भैया आंसर आ गया इसका कितना हुआ बीस इसका कितना हुआ इसका कितना साठ तो प्लस, प्लस दस बराबर नब्बे ए टी एम चमका के नहीं चमका चमका के नहीं चमका आया सवाल सर दस कैसे आए बेटा सोच जब इसका पांच गया बच्चे तो इसका कितना बना इसका पांच गया तो पांच बटे एक इंटू दो बराबर दस सिंपल सिंपल स्टार आप याद करो आप याद करो मैंने आपको एक बात बोली थी कि यदि इनिशियली प्रेशर दे दे यदि इनिशियली प्रेशर दे दे तो उसी को मोल मानते हुए आगे सवाल पे बढ़ जाओ बोलो कहा था कि नहीं कहा था इनिशियली प्रेशर दिया था भैया तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी डायरेक्ट उसी को मोल मानते हुए आगे बढ़ जाते बात सॉल्व हो जाती चमका चमका और सवाल करती और मजे लेती सब्जेक्ट बहुत मजेदार होती बोल रहा है एन टू प्लस थ्री एस टू मी दो मोल अमोनिया उसने बोला इनिशियली जो है राइट right रेशो में लिया गया 340 ग्राम ऑफ एन टू एन एस टू और 20 परसेंट भाग गया <coughs> तो बताओ अमोनिया कितने ग्राम बना क्यों थैंक यू क्यों बोल रहा है टाइम हो गया क्या और टाइम हो गया रे मैं भी जा रही हूँ भैया हमारे घर में खाना बन गया बर्तन वर्तन भी मानने भी समझे पूरे घर को खाना खिलाना है चलो आज के लिए विराम लेते हैं बेटा टाटा बाय बाय सी यू ठीक है यदि आपके डाउट अच्छे खासे रहे तो मैं रात को आपके डाउट क्लियर कर दूंगा यदि आपने चार पांच डाउट डाले तो मैं रात को कोई डाउट आउट नहीं बता रहा फिर मैं आपको लूंगा एक दिन और मेहनत करो डाउट निकालो फिर डाउट क्लास लगाओ बाय बाय चाचा सी बाय